और अब खबर बिहार से देखिए। बिहार में सियासी हलचल तेज है। बीजेपी के सभी मोर्चों के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है। बैठक दो दिनों तक चलेगी। बैठक तो बहाना है, बीजेपी को बिहार में सियासी आधार बढ़ाना है, लिहाजा पटना में होने जा रही बैठक की अहमियत काफी बढ़ गई है। बीजेपी के सभी सात मोर्चों की संयुक्त राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दो दिनों तक चलेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक का उद्घाटन करेंगे। बैठक आज शाम से 4 बजे से 8 बजे तक चलेगी। 2 दिवसीय बैठक का समापन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी का मंथन होगा। बैठक में किसान मोर्चा, ओबीसी मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा और अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष, महासचिव और पदाधिकारी शामिल होंगे। करीब 10 साल बाद बिहार के पटना में बीजेपी का कोई बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बीजेपी की इस बैठक को सियासी संदेश देने की रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और अब बात बिहार की, जहां सरकारी स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी का मामला बढ़ता जा रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। कामकाजी दिन में स्कूल परिसर में लटके ताले और पसरे सन्नाटे पर सियासी शोर तेज हो गया। ये तस्वीरें बिहार के मुस्लिम बहुल जिले किशनगंज की, जहां सरकारी स्कूल में शुक्रवार की छुट्टी का मामला गर्म हो गया। शुक्रवार है और आप देखिए, यहां पर जो विद्यालय है वो सब बंद पड़े हैं। ये किशनगंज का उच्च मध्य विद्यालय है, गुलशन मिठाई, इसमें देखिए ताला लगा है। जबकि साप्ताहिक छुट्टी जो है वो रविवार को होती है, लेकिन यहाँ पे शुक्रवार को जो है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ताला लगा हुआ है। यहाँ पे बच्चे आज कोई पढ़ने के लिए नहीं आए हैं। दरअसल जुमे की नमाज आज रहती है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है, आबादी जो है नियम पर भारी पड़ रही है। किशनगंज जिले में 37 स्कूल ऐसे हैं जहाँ रविवार की जगह शुक्रवार को छुट्टी होती है। शुक्रवार के दिन इन स्कूलों में छुट्टी की परंपरा पुरानी है, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री ने इसको लेकर जिला शिक्षा अधिकारियों से जवाब तलब किया। जहाँ जहाँ ऐसी सूचना मिली है अभी तक, हम लोगों ने वहाँ के डीओ से, जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्रतिवेदन मांगा है कि वहाँ क्या स्थिति है, कब छुट्टी रहती है और किसके आदेश से छुट्टी रहती है। वहीं बीजेपी भी संविधान के पालन का हवाला देकर सवाल खड़े कर रही है। संडे को छुट्टी होती है जी, हर रविवार, तो इसको अब कोई कहेगा जुमा को कर दीजिए, क्रिश्चियन कहेगा इस दिन कर दीजिए, जैन कहेगा इस दिन कर दीजिए, तो सरकार का जो नियम है इसका पालन करना चाहिए। संडे को बंद है तो संडे बंद होना चाहिए। अगर वह हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से इस देश को चलाएगा तो थोड़े करेगा। इससे पहले झारखंड में भी शुक्रवार की छुट्टी पर विवाद हो चुका है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।